गईज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेले जाने वाला है मतलब गाइज एयूएस वर्सेस आई एन डी के बीच जो फर्स्ट टेस्ट मैच होगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और ये वाला जो टेस्ट मैच है गाइज वो ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड पे खेला जाएगा मतलब बॉर्डर गोवस्कर ट्रॉफी ये होने वाली है तो काफी इंपॉर्टेंट गाइज ये ट्रॉफी होती है और इसको विन करना अब इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर फाइनल में जगह बनानी है तो इस सीरीज को विन करना ही होगा अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी तो इस वाले फर्स्ट टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग इलेवन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है और ये टेस्ट मैच है तो इसकी टीम भी गाइस कंप्लीट बिल्कुल डिफरेंट बनती है तो वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको लेकर आप इस वाले मैच में फैंटेसी में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में अच्छे विन कर सकते हैं और साथ में गाइस वो प्लेयर कौन होगा जिसको अपन कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे तो पूरी वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस मैच से रिलेटेड इसलिए कंप्लीट वीडियो वीडियो लास्ट तक देखना है और इस वीडियो पे अगर आप लाइक करते हो और साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो गाइज आप सौ रुपए विन कर सकते हो करना कुछ नहीं है बस वीडियो पे लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करना है आप भी विनर बन जाएंगे एयूएस वर्सेस आईएनडी फर्स्ट टेस्ट मैच खेला जाएगा गाइज पर्थ स्टेडियम पर्थ में और गाइज मैं आगे बढ़ू उससे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल को शौर एक्सपर्ट सपोर्ट को और दूसरा काम कर लेना है गाइज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है शॉर एक्सपर्ट सपोर्ट जहां पे मैं हर मैच के बिल्कुल फ्री टीम देता हूं टॉस के बाद तो उसको भी पक्का से ज्वाइन कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में टॉप पे आपको लिंक दिख जाएगा पिन किया हुआ बस क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है हर मैच की बिल्कुल फ्री टीम मिलती है इस चैनल पे और मैं खुश शेयर कर दू पक्का से ज्वाइन कर लेना अब क्या प्लेइंग इलेवन गई थी इस फर्स्ट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की रहेगी वो एक बार अपन देखते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो स्टीवन स्मिथ के साथ उस्मान ख्वाजा एक्सपेक्टेड है ओपन करे पर देखिए ये कंफर्मेशन नहीं है यहां पे हो सकता है आपको बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिले क्योंकि नॉर्थन एमसी स्वेनी भी हो सकता है ओपनिंग कर ले ये भी पॉसिबल है क्योंकि स्टीवन स्मिथ जनरली नंबर तीन पोजिशन पे अच्छा रहता है इसलिए मुझे लग रहा है नॉर्थन ओपनिंग पे आ सकता है इसके बाद लेबर्स चेन मिशेल मार्स ट्रेविस ट्रेविसेड नॉर्थन लियोन एलेक्स कैरी मिशेल स्टार्क पैट कम्स और जॉर्श हेजलवुड तो ऑस्ट्रेलिया अपनी बेस्ट लाइनअप के साथ इस वाले टेस्ट में उतरने वाला है और वही बात इंडिया की तो इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा देखिए अवेलेबल है नहीं फर्स्ट टेस्ट मैच में वो सेकंड टेस्ट में आएंगे तो अभी फर्स्ट टेस्ट मैच में जो कप्तानी करेंगे वो है जसप्रीत बुमराह तो इंडिया की तरफ से एक्सपेक्टेड है कि यशस्वी जायसवाल के साथ के राहुल हो सकता है आपको ओपनिंग करते हुए दिखे इसके बाद नंबर तीन पे शुभमन गिल फिर विराट कोहली ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे रविंद्र जडेजा है सरफराज खान मुझे डाउटफुल लग रहा है हो सकता है खेल भी ले हो सकता है ना भी खेले इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर रविचंदन अश्वित जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच गई जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं तब कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो परफॉर्मेंस देते हैं इसके अलावा जिस वेन्यू मतलब जिस मैदान पे ये मैच है पर्थ में इस मैदान पे कौन से प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता लगेगी इसलिए पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है अब देखिए टेस्ट मैच में बॉलिंग का जो डेथ ओवर्स है ना वो मैटर नहीं करते क्योंकि हर बॉलर लंबे ओवर्स कराता है तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टार्टिंग ओवर्स कर सकता है क्योंकि स्टार्टिंग ओवर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिच पहले दिन जो भी बैटिंग करेगा ना भाई पिच बहुत फ्रेश रहेगी और बहुत मुश्किल आने वाली है बैट्समैन को खेलने में तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्टिंग ओवर हैजलवुड कमिंस और मिशेल स्टार करने वाला है ठीक है स्टॉक भी आप नोटेट कर लेना और इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज अब बात आती है भाई ये पर्थ स्टेडियम जहां पे ये मैच है यहां का पिच कैसा रहने वाला है तो आपको बता दो यहां का जो पिच है ना गाइज वो काफी ज्यादा हार्ड सरफेस है जहां पे फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे पेसर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा पर बॉल बल्ले पे भी बहुत अच्छे से आएगी अगर बॉल बल्ले पे अच्छे से आ गई तो रन भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे क्योंकि सरफेस गाइस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो चौथे पांचवें दिन थोड़े से पिच पे क्रैकेज आएंगे इस वजह से स्पिनर्स एक्स्ट्रा एडवांटेज में रहेंगे तो स्पिनर्स का रोल गाइस चौथे पाँचवें दिन ज़्यादा रहेगा स्टार्टिंग एक दो दिन तो आपको पेसर से इफेक्टिव होते हुए देखने वाले हैं टोटल मैच इस वाले वेन्यू स्टैट की बात करो तो इस मैदान पे गई टोटल अभी तक चार मैच हुए हैं और चार के चार मैच जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उसी ने ही विन की है तो जो भी टीम टॉस जीतेगी भाई पहले बैटिंग करेगी यहाँ पे और टॉस इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है और इसके अलावा यहाँ पे स्कोर की बात करूं तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है चार सेकेंड इनिंग का 250, थर्ड इनिंग का 250 और फोर्थ इनिंग का 183। तो यहां के ये एवरेज स्कोर है इससे पहले पहले मैं आगे बढ़ू, उससे पहले आप एक काम कर लेना विजन सौ एप्लीकेशन को पक्का से डाउनलोड कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको कंपनी की तरफ से फ्री बोनस भी मिल जाएगा और विजन इलेवन पर ही क्यों खेलना है उसके चार पांच रीजन है एक तो अदर एप्स की कंपैरिजन में यहाँ पे जो एंट्री फीस है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट है मतलब जो कंपनी कमीशन चार्ज करती है वो यहाँ का लोअर है इसके अलावा अदर एप्स पे आप दस प्लस वन की फैंटेसी ही बना सकते हो मतलब जो अभी नया फीचर आया है ना दस प्लेयर आप एक टीम के सेलेक्ट कर सकते हो बट विजन इलेवन पे आप पुराने फॉर्मेट पे भी टीम बना सकते हो जो पहले फॉर्मेट चलता था ना सेवन प्लस फोर का उस फॉर्मेट पे भी यहाँ पे टीम बनती है इसके अलावा यहाँ पे सेकंड इनिंग फैंटेसी खेल सकते हो हेड टू हेड फैंटेसी खेल सकते हो और टीडीएस और जीएसटी तो बिल्कुल फ्री है इसलिए मैं तो आपको बोलूंगा विजन इलेवन पे अपना इन्वेस्टमेंट रखे और खेले बढ़िया एप्लीकेशन है और मैं खुद यहीं खेल कर अच्छी विनिंग करता हूं तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है पक्का से जाके डाउनलोड कर लेना पर विजन इलेवन ऐप पे गई थोड़ा सा वित्त जोखिम इंक्लूड है कृपया अपने निरस पर खेले संभल के खेले अब बात आती है वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको पिक करके आप इस वाले मैच में अच्छे विनिंग कर सकते हो तो सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में नाम आएगा एलेक्स कैरी का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और एलेक्स कैरी इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस तो अच्छा निकल के आता है इंडिया के अगेंस्ट आठ मैच खेले एक रन बनाए चोइस के एवरेज से इस मैदान पे एक मैच खेला है चौंतीस रन बनाए और रिसेंटली अभी एक रन बना के आ रहे हैं तो एलेक्स कैरी को रख सकते हो क्योंकि ये इंडिया का होम ग्राउंड नहीं है भाई ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है तो यहां पर इनको थोड़ा एडवांटेज तो थो ज्यादा मिलेगा इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत है और ऋषभ पंत को बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप इसका स्टैट देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बारह मैचों में छह रन बनाए बासठ के एवरेज से और इस मैदान पे भी दो मैच खेले छियासठ रन बनाए और अभी रिसेंट टेस्ट मैच में आप देखिए एक और 18 बना के आए मेरे हिसाब से विकेट कीपर में ऋषभ पंत तो डेफिनेटली पिक होगा ही होगा चाहे आप जॉश इंग्लिश एलेक्स कैरी को पिक करो या ना करो अब एलेक्स कैरी का डिसीजन मैं आपको भी फाइनल जब टीम दिखाऊंगा ना तब बताऊंगा कि क्या करना है रखना है कि नहीं रखना पर रिश पंत को डेफिनेटली पिक कर लेना इंपॉर्टेंट पिक है और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के घर पे बहुत अच्छा करता है आप यहां पे स्टैट्स देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सेक्शन में देखिए यहां पे बहुत सारे नाम है इसमें जो सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ी जो चर्चा जिस प्लेयर की है वो है हेड हेड की हैड अपनी अटैकिंग बैटिंग के लिए जाना जाता है भाई और आप देखिए इंडिया के अगेंस्ट ने 18 मैचों में 715 रन बनाए 42 टू की एवरेज तो इंडिया के अगेंस्ट ये खास तौर से बहुत अच्छा करता है और इस मैदान पे भी अगर आप पर्थ में भी इसका एवरेज देखोगे तो सात मैचों में दो रन है बयालीस की एवरेज से और लास्ट दो टेस्ट मैच में उनतालीस और तीस तो ट्रेविस हेड अगर स्टार्टिंग ओवर्स में आउट हो गया तो हो गया अदरवाइज फिर ये रुकता नहीं है बहुत अटैकिंग खेलता है स्टीवन स्मिथ जो कि अपनी टेक्निकल बैटिंग के लिए बहुत स्ट्रांग है और इंडिया के अगेंस्ट इसका अगर आप एवरेज देखोगे सैंतीस मैचों में दो हजार बयालीस रन है छियासठ का एवरेज और स्टीवन स्मिथ की जो सबसे अच्छी खासियत है ना इस पर्थ के ग्राउंड पे इसका एवरेज बहुत अच्छा है पर्थ में देखिए पंद्रह मैच में नौ रन बनाए सेवनटी के एवरेज से लास्ट दो टेस्ट मैच पे बीस और इकतीस उस्मान ख्वाजा का इस मैदान पे एवरेज पचपन का है दस मैचों में पांच सौ इक्यावन रन इंडिया के अगेन चौतीस का लास्ट दो टेस्ट में सत्ताईस इकसठ और लैबर्स चेंज गाइज इस वाली टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है. लैबर्स चेंज का इस मैदान पे अगर आप एवरेज देखोगे 6 मैच पे पांच सौ उन्नीस रन है एक सौ चार का एवरेज हंड्रेड प्लस का एवरेज है सबसे बेटर इसके अलावा इंडिया के अगेंस्ट फोर्टी सिक्स है और लास्ट दो टेस्ट में नाइनटी सिक्स और थी तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड दिखेगा क्योंकि भाई घर पे खेल रहे हो तो यहां पर आप देखिए मेरे हिसाब से ट्रेविस साइड को मैं डेफिनेटली पिक करके चलूंगा स्टीवन स्मिथ को पिक करके चलूंगा और साथ में लेबस चेंज को भी पिक करके चलूंगा ये तीनों मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक लग रहे हैं आप भी लेके आ सकते हैं काफी बढ़िया पिक है और उस्मान ख्वाजा को आप डेफिनेटली ग्रैंड लीग में ट्राई करिए क्योंकि ये भी क्वालिटी प्लेयर इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया की तरफ से विराट कोहली पर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा और पूरे ऑस्ट्रेलिया की नजर विराट कोहली पर ही है अभी आप वहां के अखबार भी देखोगे ना न्यूज में तो विराट कोहली की ही हेडलाइन तो काफी चर्चा में और विराट कोहली के लिए भी ये वाला टेस्ट सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है को प्रेशर काफी है। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड से हार के आ रहे हैं वो भी घर पे तो इस मैदान पे चार मैचों में 259 रन बनाए पैंसठ की एवरेज से और सामने वाली टीम के अगेंस्ट सैतालीस का एवरेज है अभी लास्ट दो टेस्ट में खाली पांच और अठारह बनाए के राहुल आपको खेलते हुए दिखेंगे और यशस्वी जायसवाल छप्पन का एवरेज है भाई इसका टेस्ट मैचेज में और ये ट्रेविस हेड के तंदाज में ही खेलेगा अटैकिंग और लास्ट दो टेस्ट में पैंतीस और एक सौ सात शुभमन गिल की बात करें टेस्ट मैचेज में सैंतीस का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फोर्टी फोर का लास्ट दो टेस्ट में इक्यावन और तरेपन और सरफराज खान जो कि टेस्ट मैचेज में सैंतीस का एवरेज है ठीक ठाक पी के रखना चाहो रख सकते हो अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे जो आपके लिए मेरे हिसाब से जो बढ़िया पिक मुझे लग रहे हैं वो है विराट कोहली और वाई बी जायसवाल मतलब यशस्वी जायसवाल बाकी आप शुभमन गिल को लेना चाहो डेफिनेटली रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई वीडियो पे लाइक पक्का से कर देना क्योंकि सौ रुपए उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वीडियो पे लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच करेगा तीनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नहीं मिलेगा इस चीज का आपको ध्यान रखना है इसके बाद बात आती है ऑलराउंडर सेक्शन की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑलराउंडर्स में नाम है यहाँ पे मिशेल मार्च का जो कि फास्ट बॉलर है बैटिंग भी कर सकता है और इस मैदान पे इसका भी एवरेज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है सात मैचों में तीन सौ पिचानवे रन बनाए छियासठ के एवरेज से तो कहीं ना कहीं बहुत बेटर एवरेज है और सात में चार विकेट भी निकाले और अगर मैं इंडिया के अगेंस्ट भी बात करूं तो दस मैचों में एक रन बनाए अठारह के एवरेज से तो इंडिया के अगेंस्ट थोड़ा सा मिशेल मार्च स्ट्रगल करता है बाकी इस मैदान पे एवरेज अच्छा है लास्ट दो टेस्टों में अस्सी रन चालीस रन एक विकेट और नॉर्थन एमसी सोनी अभी अपना डेब्यू करेगा और अभी रिसेंटली बहुत अच्छा करके आ रहा है अब देखते हैं कैसा ऐसा परफॉर्मेंस देता है तो फर्स्ट टेस्ट के लिए तो थोड़ा सा रिस्की चॉइस पे होने वाला है इंडिया के ऑलराउंडर भाई काफी इंपॉर्टेंट पिक है और ये ऐसे ऑलराउंडर है जो आपको बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे अच्छी खासी बॉलिंग तो करेंगे ही करेंगे तो जडेजा अश्विन पे काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा इस टेस्ट सीरीज को विन कराने का क्योंकि रविंद्र जडेजा की खासियत यह है कि बैटिंग भी अच्छी करता है और बहुत बार करिए और आप देखिए रिसेंटली बीस रन प्लस दस विकेट अस्सी रन प्लस तीन विकेट बत्तीस मैचों में एटी नाइन विकेट इसके ऑस्ट्रेलिया के नाम है अच्छा प्लेयर है स्पिनर है और वहीं अश्विन की बात करो चौदह रन तीन विकेट बाईस रन पांच विकेट और यह भी लगभग एक सौ चौदह विकेट ले जा चुका है ऑस्ट्रेलिया के अगेन वॉशिंगटन सुंदर पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा करके आ रहा है पचास रन प्लस पांच विकेट उनतालीस रन प्लस ग्यारह विकेट तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये तीनों प्लेयर खेलेंगे और इन तीनों को आपको रखना पड़ेगा क्योंकि ये बैटिंग बॉलिंग सब अच्छे करते हैं और आपको अच्छे पॉइंट देंगे तो यहां पे अश्विन जडेजा सुंदर तीनों को रख लेना चाहे बैट्समैन आप इंडिया के कम रख लेना पर ये तीनों को पिक कर लेना अब आती है बॉलिंग सिलेक्शन की बात अब देखिए पर्थ का ग्राउंड है तो फास्ट बॉलर्स तो इफेक्टिव रहेंगे तो मिशेल स्टार्क पे सबकी नजर रहने वाली है फास्ट बॉलर है और इस मैदान पे 18 मैचों में 49 नाइन विकेट से ले जा चुका है अप्रॉक्स दो से तीन विकेट लेता है इस मैदान पे इंडिया के अगेंस्ट तैतीस मैचों में 48 विकेट है और लास्ट दो टेस्ट में 28 अट्ठाईस चार विकेट 21 सन एक विकेट पैट कमिंस जो कि फास्ट बॉलर है 50 विकेट इंडिया के अगेंस्ट लिए हैं इस मैदान पे नौ मैचों में सोलह विकेट है और ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है ये चीज दिमाग में लेके आपको चलनी है बॉलिंग तो करता ही है हेजलवुड की बात कर लेते हैं तेरह मैचों में पच्चीस विकेट जो भाई ग्रैंड लीग को टारगेट कर रहा है वो हेजलवुड पे फोकस करके चलिएगा क्योंकि अपनी स्विंग से फंसा देगा पिक्चर प्लेयर्स को और अभी लास्ट दो टेस्ट में दस विकेट है इसके नाम और नॉर्थन लियोन है अठारह मैच बयालीस विकेट है मैच चौथे पांचवें दिन फंसता है तो लियोन वहां से विकेट ले सकता है तो काफी क्वालिटी बॉलर है इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर है पहली बार कप्तानी करेंगे इंडिया के अगेंस्ट चौदह मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चौदह मैचों में बत्तीस विकेट इस मैदान पे दो मैच पांच विकेट है और सिराज ठीक ठाक पिक है उतने कोई खास मुझे लगते नहीं है बाकी इंडिया अगर पहले बॉलिंग करता है तो कहीं ना कहीं सिराज रोल पे आ सकता है अब देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसा तो है नहीं है कोई पहला मैच हो रहा है काफी सारे मैचेस पहले भी हो चुके हैं तो कुछ प्लेयर्स है जो कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो वो चीज आपको प्लेयर बैटल से क्लियर हो सकती है तो यहाँ पे देखिए एलेक्स कैरी अश्विन जडेजा के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा आउट होता है अश्विन पांच बार और जडेजा दो बार कर चुका है तो कैरी को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो कर सकते हो तो मैंने जो विकेट कीपर में आपको बोला था कि एलेक्स कैरी को रखना है वो मैं बाद में बताऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा मत रखिए क्योंकि जडेजा अश्विन के अगेंस्ट में वो फंसेगा स्टीवन स्मिथ को भी जडेजा अश्विन आठ बार आठ बार आउट कर चुके हैं बट इसको रख लेना बढ़िया प्लेयर है ट्रेविस साइड तो देखिए आएगा जल्दी आउट हो जाएगा अदरवाइज फिर अश्विन जडेजा के जाल में यह भी फंसने वाला है और यहां पे आप सबका बैटल देख सकते हैं राहुल का भी आप बैटल देख सकते हैं सबके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा खराब है और विराट कोहली को लियोन बहुत परेशान करता है सात बार आउट कर चुका है इंडिया की तरफ से जो प्लेयर्स है जो खेल सकते हैं इस वाले मैच में जिसमें राहुल का पहला नाम है चौतीस का इसका एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पे बढ़िया प्लेयर है लोकेश राहुल इसके अलावा यहाँ पे नितेश रेडी की भी वापसी हो सकती है एक अच्छा ऑलराउंडर है जो कि बैटिंग भी अच्छी कर सकता है आकाशदीप को मौका मिल सकता है और बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉस इंग्लिश स्कॉट बॉलैंड मैंने क्या टीम बनाई है विजन ऐप पे क्योंकि मैं यहीं हाँ पर ही खेलता हूं और अच्छी विनिंग यहां और आपको भी बोलूंगा आप भी यहाँ पे खेलना स्टार्ट करें डिस्क्रिप्शन में कमेंट पे लिंक है जाके डाउनलोड करें विकेट कीपर में रिशभ पंत मैंने बोल दिया था डेफिनेटली पिक रहेगा बैटिंग में स्टीवन स्मिथ ट्रेविस हेड और विराट कोहली को रखा है बाकी यहाँ पे ऑप्शन मार्नस लेबस चेंज का भी बनता है मार्नस लेबस चेंज एक क्वालिटी प्लेयर है विकेट सौ प्लस का एवरेज है उस प्लेयर का रख सकते हो ऑलराउंडर में जडेजा अश्विन सुंदर और मिशेल मार्च को रखा है तो यहां पे मिशेल मार्च को ड्रॉप करके आप यहां पे लेके आ सकते हो लेबस चेंज को ठीक है मार्नेस लेबस चेंज को बॉलिंग में कमिंस स्टार को रखा है और यहां पे इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह को रखा है तो इंडिया के जो तीन इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर थे जडेजा अश्विन सुंदर तीनों का रख लिया यहां पे विराट कोहली को रख लिया मिशेल मार्च की जगह आप लेबस चेंज को ला सकते हो बाकी टीम बढ़िया कप्तान वाइस कप्तान के लिए इस वाले मैच में कमिंस भी बहुत अच्छी चॉइस है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है और बाकी अश्विन जडेजा में से आप किसी को बना सकते हो तो आईएनडी वर्सेस डी यूएस फर्स्ट टेस्ट मैच डिटेल गाइड गैद ही खत्म होता है और गाइड इस वाले मैच का फ्री गिव अवे का प्रश्न है कौन सा बैट्समैन इस वाले मैच में सबसे ज्यादा रन बना सकता है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है तो मेरा ये वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव था एजुकेशन पर्पज से था जाते जाते वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार देते रहना ठीक है भाइयों नमस्कार